अंतर्राष्ट्रीय ऑयल कॉम्प्लेक्स के कमजोर सेंटीमेंट के कारण भारतीय बाजार में पाम तेल के भाव में दबाव आ गया है। इधर भारतीय बाजार में अचानक तापमान में आई गिरावट के कारण भी खाद्य तेलों की मांग घट रही है। वहीं सोयाबीन तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर सोया तेल 20 रुपये घटकर 1275 से 1280, जबकि पाम तेल इंदौर घटकर 1005 रुपये प्रति 10 किलो रह गया है। उधर सोयाबीन की आवक मंडियों में अच्छी रहने और प्लांटों की खरीदारी कमजोर रहने से भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। प्लांटों का खरीदी भाव घटकर 5650 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। इंदौर की छावनी अनाज मंडी में सोयाबीन बेस्ट 5700 जबकि एवरेज 4800 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं मलेशिया ने 1 से 5 जनवरी 2023 तक 71,100 टन पाम ऑयल का एक्सपोर्ट किया है, जो 1 से 5 दिसंबर 2022 में हुए एक्सपोर्ट 2,23,757 टन से 68.22% कम है। इससे मलेशियन वायदा बाजार पर पाम तेल के भाव में दबाव देखा जा रहा है। ऐसे में फिलहाल भारतीय बाजारों में खाद्य तेलों में विदेशी बाजारों के कमजोर सेंटीमेंट के चलते गिरावट देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।